गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोग लिमिट्स का लेक्चर नंबर 3 देखे थे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 में, जो पिछले क्लास में मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, उसमें से कुछ बच्चों का डाउट था, आज हम लोग उस डाउट को हम लोग करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि x का पावर -1/3 है और नीचे -2/3 है। अगर x का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 0/0 आ जाएगा ना। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें हम लोग इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, चाहे स्टैंडर्ड रिजल्ट मेथड पर भी बना सकते हैं, लेकिन देखिए क्या होता है, दोनों मेथड से हम सीखेंगे। देखिए इसको हम लोग 1 x का पावर -1/3 बट्टा, अब यहां -2/3 है तो क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, -1/3 का होल स्क्वायर ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, सो बताइए। इसमें किसी को डाउट है क्या, अरे भाई अरे -2/3 है तो -1/3 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना कि नहीं होगा, नहीं होगा। चलो अरे x के पावर -2/3 है, इसको तुम x का पावर -1/3 × 2 कर सकता है, ये पावर में जब गुना रहता है तो एक हम होल पावर में नहीं रहते हैं ऐसे करके, ऐसा रूल कभी देखा है विपिन, ये रूल होता है, देखो a के पावर m × n बराबर, ये रूल कभी देखे थे 8वां क्लास में, हैं? हाँ देखो, तुम लोग का कथी बीत गया कोरोना में ना, लॉकडाउन। चलो आप सुनो, अब यहाँ पर इसमें a² - b² लगा सकते हैं, देखो सर, अरे अरे वन है तो वन के स्क्वायर तो कर सकता है ना, कितना होगा 1 x² - 1/3 × 1 + x² - 1/3, ऐसा हो सकता है, बताओ तो। रे देख इससे ही कट जाएगा, क्या बच गया रे, 1/ आप एक चीज जानो, लिमिट में बट्टा में रहता तो क्या करते हैं उसको, हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, क्या हो जाएगा लिमिट, क्योंकि ये कांस्टेंट है, 1 का लिमिट 1 हो जाएगा। चलो कितना आएगा बताओ, ए में तुम 1 रखो ना, कितना आएगा रे, 1/1 + 1 कितना हो जाएगा, किसी को दिक्कत है इसमें, 1 का पावर कुछ रखो, हाँ रे 0 रहेगा चाहे 1 रहेगा, कुछ 1 का पावर आप कुछ रखे, हाँ 1 के पावर -3। चलो दे देखो, इसको तुम 1/1 का पावर 3 कर सकता है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 पर कितनो रहेगा, -0 कुछ 1 के पावर √2, क्या दिक्कत है, 1 के पावर 1.41 है, इसको तोड़ते रहिए, कितना आ जाएगा, 1 आएगा, कितना आएगा, अरे 1 को पावर का मतलब क्या हुआ, उतना बार गुना करना है, और उतना बार जब गुना करना है तो क्या होगा, मतलब क्या होगा इसका, 1 को कितनों बार 1 से गुना कीजिएगा, रियल कितना आएगा, हाँ लेकिन एक चीज है कि -1 का पावर अगर सम संख्या है, क्या है, इवन नंबर है तो +1 होगा, और ऑड नंबर है तो -1 होगा। ए भाई ऊपर का ना रे, हम निचलका के बात करते हैं, लिया में देखो ना, लिया में प्लस में ना है 1, लिया में देखो यहाँ माइनस में ना है, माइनस लिया मतलब नीचे, नीचे क्या है नेगेटिव है, और नेगेटिव का पावर क्या है, इवन नंबर है, इवन है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, काहे कि सम संख्या का पावर 1 होता है, आउट रहेगा तो, बात समझ रहा है। देखिए जिसको परेशानी होती है तो जरूर बताया कीजिए आप लोग, आपको बहुत सारा परेशानी हम जानते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई वाला जो है उसके बारे में, ठीक है आगे देखिए। चौथा क्वेश्चन मैंने बता दिया, पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया, आप इसको नोट कीजिए पहले। चलिए चलिए, तो इसमें जो क्वेश्चन है आपको इसको पहले तो फैक्टराइज करना होगा, है ना, तो ऊपर वाला कैसे फैक्टराइज होगा, देखने वाली बात है, क्या क्या है, x³ + 7x² - 36, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं इसको बताइए,
चलिए एक्स क्यूब लिए, उसके बाद क्या करेंगे बताओ, क्या करें उसके बाद बोलो। पहले देखो अगर ये भी नहीं हो रहा है ना, तो नीचे वाला को पहले फैक्टराइज करके देखिए कितना आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस आठ, अब इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स माइनस टू एक्स माइनस, यानी एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स कॉमन लेंगे तो कितना होगा, एक्स प्लस फोर माइनस टू कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फोर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस टू आएगा, है ना। तो एक्स प्लस फोर एक हमको कॉमन लेना है और एक एक्स माइनस टू हमको कॉमन लेना है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं क्या आता है। अगर मान लीजिए सात एक्स स्क्वायर को हम इसे बांटे, फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। देखिए तो अगर यहाँ थ्री एक्स स्क्वायर है तो फिर इसका चरगुना क्या होगा, बारह होगा, क्या कितना होगा, बारह एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका चार गुना। फिर अगर इसको जोड़े हैं तो इसको क्या करेंगे हम लोग, घटाना भी पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सॉरी बारह एक्स माइनस थर्टी सिक्स। अब एक बात बताइए आप हमको, एक बात यहाँ बताइएगा कि सर यहाँ तो चार गुना हो गया, यहाँ भी चार गुना हो गया, लेकिन यहाँ क्या हो गया, तीन गुना, चार गुना आया, यहाँ छत्तीस था कि अड़तालीस था, नहीं आए छत्तीस है, चलो तो फोर यानी कि फोर में तोड़ने पर नहीं आया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, आप सोचेंगे कि माइनस टू चलावे, क्या चलावे, सात है, इसको एक और तरीका से क्या तोड़ सकते हैं, सो बताओ एक और तरीका बताओ ना इसका, एक और तरीका बता के देखो कितना होगा बोलो। अगर चाहे तो मान लो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस चार तिहाई बारह एक्स, माने बारह एक्स जोड़ देंगे आप, बारह एक्स घटा देंगे, अब तो हो जाना चाहिए, अब हो जाएगा ना गुणनखंड, यानी कि इसको हम तोड़ेंगे देखो, तो गुणनखंड तुमको आना चाहिए, पहले तुम लोग गुणनखंड सीख चुका है ना रे, सात को दो भागों में बांट दिया, तीन और चार, ठीक है। अब सुनो चार एक्स स्क्वायर लिए है, तो यहाँ देखो इसका तीन गुना ये है, तो इसका भी तीन गुना क्या होगा, बारह एक्स होगा, होगा ना, चार तिहाई, और यहाँ एक्स क्यूब, तो यहाँ क्या हो गया, यानी एक्स को कम किया ना, तो यहाँ पर भी एक्स को क्या कर दिया हम लोग, कमा दिए, फिर बारह एक्स अपना मोहन से जोड़े हैं, कहे कि बारह एक्स नहीं है, तो बारह एक्स जोड़े हैं, तो बारह एक्स क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, इसको तोड़ेगा तो क्या लिखेगा यहाँ पर, क्या है, एक्स प्लस फोर इंटू, अब इसको तुम गुणनखंड करो तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते कितना बचा, एक्स प्लस थ्री, यहाँ प्लस फोर एक्स कॉमन लेते क्या बचा, एक्स प्लस थ्री, माइनस ट्वेल्व कॉमन लिया तो एक्स प्लस, अब सुनिए अब इस तीनों में से क्या कॉमन होगा, कितना होगा x प्लस और इंटू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस ट्वेल्व बट्टा में कितना रहे, कोई दिक्कत किसी को, गुणनखंड, अब फिर एक और गुणनखंड तुम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, सो बताओ कितना आएगा रे, कितना रे, चार है, कितना है यहाँ, बारह है, तो कितना होगा, छ दुनी छोदनी कितना होगा, कितना आएगा बोलो, कितना आएगा, किसी को समस्या है इसमें, समस्या कौन करे गुणनखंड करने में, अब देखो एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू क्या हो गया, क्या बचा तुम्हारे पास, एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस बट्टा में, अब क्या करेंगे डायरेक्टली हम लोग टू यहाँ पर डाल देंगे, कितना डाल देंगे, डाल देंगे टू तो कितना चलेगा रे, टू प्लस थ्री इंटू टू प्लस सिक्स कितना आ जाएगा विपिन जी बताइए, था तीन दो पांच छ दो आठ बट्टा आए, तो काटो ना इसको, चार यहाँ तीन कितना हो जाएगा, बीस बट्टा, कैसे पूर्णांक में तोड़ सकता है, पॉइंट में, क्या इसमें अगर आपको दिक्कत है तो बताइए कि सर हमारा गुणनखंडो करने अब नहीं आता है, कि वो भी नहीं आता है ना, चलिए ठीक है, तो अच्छा बात है, तीन को वाला में थोड़ा सा दिमाग लगाना हो, चलिए देखिए
तो ठीक है, इसको आप लोग क्या कीजिए, ढंग से नोट कीजिए, समझ के एकदम, अगर दिक्कत होता है फिर बताइए। चलिए चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि लिमिट x टेंड्स टू a, x रूट x माइनस a रूट a बटा x माइनस a। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो कैसे सिंपल है, सो देखिए आप इसमें क्या ऐसा कर सकते हैं, x रूट x को x का पावर 3/2 कर सकते हैं क्या, हाँ या नहीं बोली, कैसे हुआ 3/2, तो सुनिए, x रूट x है क्या रे, इसको हम लोग x का पावर 1 इंटू x का पावर 1/2 कर सकते हैं, हैं ऐसा कर सकते हैं रे, हैं अब बेस समान का पावर क्या होता है, एक प्लस एक बड़ा तो कितना हो जाएगा, ठीक। अब सुन एक बात और जानो, एक फॉर्मूला मैंने लिखा होगा एस आर एम में, कितना होता है रे, जल्दी बताओ, दे तोड़ देंगे एन इंटू ए का पावर एन माइनस, कितना हो जाएगा, एन कितना है यार, 3/2, ए कितना है, यही है, आई में से कितना घटा देंगे, कितना हो जाएगा, अब 1/2 है तो क्या लिखेंगे इसको, क्या कोई समस्या किसी को इसमें, हाँ निखिल जी आप कहाँ रहते हैं वो, हाँ तो देखते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है। अब इसमें डायरेक्ट मान तो हम रख नहीं सकते हैं, लेकिन एक बात जानिए, किसको पहले हमको सॉल्व करना होगा, हम एक बात जानते हैं कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x के पावर n, अगर मान लीजिए ये जीरो होगा, कब जीरो होगा, इसके पीछे भी रीजन है, जीरो कब होता है, जब यहां पर x का वैल्यू क्या होगा, जीरो और एक के बीच में, x क्या हो, जीरो और एक के बीच में, तो हम कोशिश करेंगे यहां जो माने पावर के अंदर में जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, जीरो और एक के बीच का है। अब आप हमको बताइए कि 5/4 क्या होता है, एक से बड़ा होता है, एक से क्या होता है, लेकिन 4/5 क्या होता है, एक से छोटा होता है कि नहीं होता है। अगर एक बात हमको बताइए कि अगर हम ऐसा कर लें, इसमें से 5 के पावर n कॉमन ले ले, क्या ले ले कॉमन, इसमें से क्या कॉमन ले ले, 5 के पावर, तो इसके पास तो 5 का पावर n है नहीं, तो किस में चला जाएगा, इसके बट्टा में, यहाँ क्या बचेगा का पावर, कितना हो जाएगा, 1/ ऐसा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हो 1/ अब क्या करेंगे, सो बताइए, तो अब क्या करेंगे बोलो, ये 5 के पावर है, दोनों पर पावर होता है, बताओ तो, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, सो बताओ तो ऐसे कर सकते हैं, इससे क्या हो जाएगा, ये वाला 5 कहां कर लेंगे, 5 कहां आ जाएगा रे, क्वेश्चन तो बाहर नहीं चलाएगा, कितना हो गया ये 4/5 के पावर, अब सुनो, अभी 4/5 के अगर n की जगह पर इंफिनिटी रखेंगे, n की जगह कितना रखेंगे, इन्फिनिटी, तो तुरा पता है कि 4/5 क्या है, एक से छोटा है, लिखेंगे सिंस 4/5 क्या है, जीरो से बड़ा और एक से छोटा, इसलिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 4/5 के पावर n कितना हो जाएगा, जीरो, कितना हो जाएगा, इसलिए इस पूरा का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो प्लस एक कितना, जीरो प्लस एक कितना, एक होगा, एक का पावर कुछ रखिए कितना आएगा, कितना आंसर होगा इसका, आएगा, हाँ बोलिए ना, 1/∞ जीरो, तो पावर में कुछ रहे एक के, अरे एक के पावर में कुछ रहे, वैल्यू क्या होगा, ये जीरो प्लस एक करेगा तो एक होगा ना, अब एक का वैल्यू तुम कुछ रखो एक के पावर में, कितना आएगा वैल्यू, ये भाई तुम कुछ रख लो वैल्यू कितना आएगा, ये एक आएगा कि नहीं आएगा, सब बताओ, और डिटेल से बना दें, डिटेल से बनाए, बोलोगे तो डिटेल से हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, देखो डिटेल से बनाते हैं, चलो देखो,
4 by 5 का बरन इतना है, चलो अब बराबर 5 × लिमिट, चलो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ये 1 है, 1 के पावर कितना 1/5 × लिमिट। अब 1 का पावर कितना रखेंगे, कितना आएगा, ये 1 आएगा ना, कितना आएगा रे, अभी यहाँ n टेंस इनफिनिटी नहीं भी करेंगे तो भी इसका वैल्यू कितना आएगा, तो भी कितना आएगा, 1 आएगा, 1 नहीं आएगा रे, अरे n के जगह हम इनफिनिटी रखे चाहे फिर भी वैल्यू कितना आएगा। अब लिमिट कांस्टेंट कितना हो जाता है, वही कांस्टेंट रहता है, कितना आ गया आंसर, आया 5 भाई मेरे, आया 5, लिखो इसे, चलो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इस पर कुछ टॉपिक्स है, है ना, जैसे कि हम लोग अलजेब्रिक लिमिट पढ़े थे उस दिन ना, अलजेब्रिक लिमिट पढ़े थे आप, जैसे कि ना अब जो है हम लोग जब हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था पीस वाइज फंक्शन, क्या पढ़ा था, तो पीस वाइज फंक्शन का लिमिट क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। जैसे कि पीस वाइज में पढ़ा था मॉडुलस फंक्शन, क्या था, क्या होता है, y बराबर fx बराबर मोड x, ठीक है, ये मोड x फंक्शन होता है। अगर इसका हमको लिमिट निकालना हो, क्या निकालना हो, तो लिमिट मान लीजिए x टेंड्स टू 0 पर निकालना है, ठीक है, चाहे तो ये सब अगर निकालना है तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, लिमिट का वैल्यू, पहले इसकी लिमिट के एग्जिस्टेंस के बारे में, कि जितने भी पीस वाइज फंक्शन है इसको हम लोग स्टेप वाइज फंक्शन भी बोलते हैं, उसको उसका हम लोग को दोनों टाइप का लिमिट निकालना होगा, एलएच लिमिट भी और आरएच, जितने भी पीस वाइज फंक्शन है उनका हमको एलएच लिमिट भी निकालना होगा और क्योंकि ऐसे पीस वाइज फंक्शन बहुत सारे हैं कि जिनका क्या होता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, देखते हैं हम लोग, चलिए तो अगर हम लोग इसका एलएच लिमिट निकालने की कोशिश करें, एलएचएल एट एक्स इक्वल्स 0, कितना इक्वल 0, तो एलएचएल में क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स करते हैं, ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं, सो बताइए, ऐसा करते हैं ना, हो कि इसको फिर आप लोग कैसे बना सकते हैं, सो बताइए, लिमिट आप देखिए, इसको आप h टेंड्स टू वाले पर भी ले जा सकते हैं, किस पर ले जा सकते हैं, h टेंड्स टू वाले पर, तो उस पे कैसे बनाइएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h करते हैं कि नहीं करते हैं, सो बताइए, करते हैं इतना f a माइनस h, तो यानी a की जगह क्या होगा, यहां पर 0 पर करना है ना, तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू, अब एक्स के जगह क्या रखना है आपको, 0 माइनस कितना हो जाएगा, 0 माइनस एच, अच्छा अगर एच वाला लेंगे हम लोग तो उसमें क्या करना होता है हमको, कि हमको ये सब के बारे में सोचना नहीं है कि छोटा पर क्या दे रहा है और बड़ा पर क्या दे रहा है, डायरेक्ट हम लोग जो फंक्शन है यहाँ पर मोड एक्स है चाहे जो भी है उस पर क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट वैल्यू रखोगे, डायरेक्ट क्या कर देंगे वैल्यू हम लोग, तो कितना हो जाएगा बताइए, तो ये कितना होगा, माइनस कितना आया, अब माइनस एच का मोड कितना होगा रे, प्लस एच हो जाएगा, एच टेंड्स टू 0 कितना आ जाएगा वैल्यू, एल एच लिमिट कितना आया, चलो अब आर एच लिमिट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, यानी कितना हो जाएगा, 0 प्लस एच करेंगे, कितना करेंगे, 0 प्लस कितना करेंगे, 0 प्लस, किसी को समस्या, 0 प्लस एच क्यों किए, किसी को परेशानी है कि 0 प्लस एच क्यों किए, सो
अब रखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, जीरो प्लस यानी कितना चलाया, एच चलाएगा यानी कितना हो जाएगा वैल्यू, यानी कि मोडुलस फंक्शन का एक्स इक्वल्स जीरो पर लिमिट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। चलिए सिंस एलएचएल बराबर, एलएचएल क्या हो गया रे, आरएचएल के परेशानी है, चलो इसलिए लिमिट एग्जिस्ट, सो लिमिट एग्जिट नहीं एग्जिस्ट लिखा हुआ है, कितना हो जाएगा क्या हो जाएगा। और अगर आपको डायरेक्टली निकालना है, मान लीजिए अगर आपसे पूछा क्वेश्चन सुनिए, अगर आपसे पूछा लिमिट x टेंड्स टू 1 मोड x, क्या पूछा मोड, तो आप डायरेक्ट इसमें 1 रखिएगा इतना आएगा। इसी प्रकार इसी का दूसरा एग्जांपल, अगर लिमिट x टेंड्स टू का 2 और कह दिया x माइनस 2 तब कितना होगा वैल्यू, डायरेक्ट रखिएगा यहाँ, क्या रखिएगा यहाँ पर डायरेक्ट, कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में मोडुलस फंक्शन के बाद यानी मोड फंक्शन को अगर आपको लिमिट चेक करना हो, जांच करना हो, तो इस प्रकार से आप जांच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप एलएचएल और आरएचएल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, हैं? क्या कोई दिक्कत है एलएचएल और आरएचएल निकालने में, कोई परेशानी है अस्तित्व, ठीक है, एग्जिस्टेंस का हिंदी होता है अस्तित्व, नोट कीजिए। चलिए क्या बात है, देखिए इसमें जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो लिमिट होता है वो हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हुआ तो उसमें आपको एलएच लिमिट और आरएच लिमिट दोनों जरूरी निकालना पड़ेगा, एकदम निश्चित है कि आपको एलएच लिमिट और आरएच लिमिट दोनों निकालना होगा, पीस वाइज फंक्शन कोई भी रहेगा तो आप उसमें डायरेक्ट लिमिट नहीं निकालिएगा, ठीक है, एलएच लिमिट आरएच लिमिट दोनों निकलेगा उसमें, क्योंकि ये सब का लिमिट का एग्जिस्टेंस जो होता है वो जरूरी नहीं कि एग्जिस्ट करेगा कि ये है, चलिए ठीक है, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं ना जी, अगर लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x अगर हमको निकालना है, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एग्जिस्टेंस देखेंगे हम, क्या देखेंगे, क्या देखेंगे इसका एग्जिस्टेंस, एलएचएल में क्या होगा सुनो रे, x का वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटा लेंगे, क्या लेंगे x का वैल्यू, अब सुनो एक बार जान लो, 1 पर देख रहे हैं ना, इधर 1 हो गया इधर, ठीक है सुनो अभी एक बार सुनो अब सुनो x का 1 पर चेक करना है ना, तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे थोड़ा सा इधर से लेंगे वैल्यू, थोड़ा सा लेफ्ट से लेंगे वैल्यू रे, अगर x 1 के लेफ्ट से अप्रोच करे, मान लो यहां से अप्रोच करे, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन क्या देगा आपको सो बताइए, अगर यहां 1 से छोटा वैल्यू कुछ भी रखते हैं, कुछ भी रखते हैं 1 से छोटा वैल्यू रखेंगे तो फंक्शन क्या देगा हमको सो बताइए, क्या देगा पता है ना, कि अगर कोई पूर्णांक के बीच का वैल्यू रखते हैं तो किसके पास जाएगा रे, छोटा वाले के पास, किसके पास जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये f of x कितना देगा हमको, लेकिन जीरो तो हम लिख नहीं सकते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट जीरो ना लिख पाएंगे, इसलिए क्या करेंगे हम इसको लिखेंगे कितना रे, इसको लिखेंगे x माने कोई पॉइंट पर निकालेंगे, तो अभी समझा दिए वहां पर, ठीक है वहां लिखने की जरूरत नहीं है, अभी समझा दिए कि वहां पर रखेंगे ना अगर लेफ्ट हैंड लिमिट अगर रखेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी लिखने का जरूरत नहीं है फंक्शन को, देखो फंक्शन में कुछ भी लिखेंगे तो वो क्या है 1 माइनस हो गया, क्या हो गया 1, कहने का मतलब देखिए लिमिट का मतलब क्या है कि अगर लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन किसको अप्रोच करेगा, अगर मान लीजिए कि x अगर हम 0.9999 रखे तो फंक्शन किसके पास जा रहा है, किसे के पास जाएगा, जीरो के पास में जाएगा, किसके पास जाएगा, अगर इसमें हम लोग मान लो x को लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं 0.999 से अप्रोच कर रहे हैं मान लो, तो फिर फंक्शन किसको अप्रोच करेगा, जीरो, किसको अप्रोच करेगा, रख के देख लो कितना आएगा, बात समझ रहा है जीरो क्यों होगा सर,
जीरो क्यों होगा, बात समझ रहा है? अब आरएचएल वाले कंडीशन में क्या होगा कि एक्स का वैल्यू एक्स से बढ़ा लेंगे, ठीक है। अगर देख हम लोग वन के राइट से लेंगे, वन के राइट का मतलब ये नहीं कि तीन पर चले जाएंगे, सो नहीं, वन के राइट का मतलब क्या है कि थोड़ा सा बड़ा होगा, वन से क्या होगा, हल्का सा बड़ा होगा, वन से क्या होगा, हल्का सा बड़ा, और छोटा का मतलब क्या होगा, वन से हल्का छोटा होगा, ये नहीं कि बहुत छोटा होगा, तो वहां से अप्रोचिंग करने में दिक्कत ना होगी क्या? अप्रोच करने का मतलब क्या हुआ कि जीरो से हल्का राइट लेफ्ट में है, यहाँ से वन की ओर अग्रसर हो रहा है, और राइट का मतलब क्या हुआ कि राइट में है और राइट से थोड़ा सा अप्रोच करता है। तो अगर यहाँ पर हम रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू डी? निखिल बताओ कितना होगा, कितना कितना हो जाएगा रे बताओ? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एल चला रहा है जीरो, आर चला रहा है LHL does not equals to, therefore limit doesn't exist. So limit x tends to 1 fx does not. कोई दिक्कत इसमें? दिक्कत नहीं ना है? तो ठीक है, हम लोग आज लिमिट के बारे में पढ़े कि लिमिट LH RH तो पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। पीस वाइज फंक्शन पर हम लोगों ने LH लिमिट और RH लिमिट निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टली आप इसका वन रख दिएगा तो नहीं निकलेगा। लिमिट का मतलब क्या है? लिमिट का मतलब होता है कि उसके लेफ्ट से और राइट से अप्रोच करने के बाद अगर फंक्शन किसी एक पॉइंट पर जा रहा है तब उस केस में उसका लिमिट निकलता है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि LH लिमिट कुछ और है और RH लिमिट कुछ और है, इस कारण से इसका लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऐसा ही कुछ टॉपिक आपको कंटिन्यूटी में भी आवश्यकता होगी, इसलिए मैं इसको अभी आपको पढ़ा दूं। अगले क्लास में हम लोग लिमिट का जो नॉन अलजेब्रिक लिमिट है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट क्या होता है, इनवर्स रेशियो क्या होता है, और लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल लिमिट, जो कि आपको आगे डिफरेंशिएशन करने में भी आवश्यकता होगी, इसलिए हम लोग लिमिट का कल लास्ट लेक्चर एक या दो लेक्चर में हम लोग लिमिट को समाप्त करेंगे, फिर आपका कंटिन्यूटी स्टार्ट होगा, ठीक है, जो कि आपका 12th क्लास में कंटिन्यूटी से स्टार्ट है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।